ये यीशु का प्रॉब्लम क्रैक करने वाला जो तगे तकी है उसका मुचुमिति है। तगे तकी और मुचुमिति को ये याद रखना चाहिए, अगर किसी का जान जाता है तो वो दोनों को रखने पर बता रहा है। तगे तकी मुचुमिति उसका बाद ये तलोपतम का, अभी तलोपत यहाँ में किसी को टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है, ये बहुत गलत बात। एक डीसी ऐसा बात नहीं करना चाहिए, एक गवर्नमेंट कमिश्नरी ऐसा बात नहीं करना चाहिए, टेररिस्ट है उग्रवादी डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। और सारे जनता, सारे अरुणाचल के जितने भी आवाम है, पब्लिक है, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने इस शख्स को आपने प्यार दिया और आप सब इन सभी को प्यार दिया, इसलिए सब जनता, अरुणाचल जनता को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। तो बहुत सा दिन से देख रहा था कि चर्चा चल रहा है बन कॉल, तो आप सबको मैं बता दूं, सरकार की तरफ से काफ़ी धमकियां बार आ रहा है, ये बन कॉल को ऑफ करो, बन कॉल नहीं होना है। आप लोग सब देख रहे होगा, हमारा अरुणाचल में दो कानून है, एक कानून है गरीब आदमी के लिए, आम जनता के लिए कानून है, एक कानून है अमीर आदमी के लिए। जब कुछ स्टूडेंट यूनियन लोग बन कॉल करता है तो हमारा दीदी सब उसके साथ में गले मिला के कराता है, बोलता है कि ये बन कॉल हुआ है लेकिन पीसफुल बहुत अच्छा हुआ है। बोलेगा भी क्या, बोलेगा नहीं, बोलेगा भी क्या, नहीं बोलेगा, ऐसा करके स्टेटमेंट देता है। और जो सच्चाई के लिए लड़के अगर बन कॉल डिसीजन करता है तो उसको इलीगल डिक्लेयर करके बोलता है कि बहुत दूर ले जाएगा, बोलता है, हम तो क्लियर बोलते हैं बहुत दूर ले जाएगा, थाईलैंड नहीं तो अमेरिका में ले जाओ, यहाँ में तो अरुणाचल आंध्र में तो दूर नहीं है, यहाँ तो पहुँच ही जाएगा, ये है। तो बार बार बोल रहा है कि सरकार की तरफ से इंडिविजुअल बोल रहा है, इंडिविजुअल डिसीजन, इंडिविजुअल बन कॉल है। हम सरकार से एक क्वेश्चन करता है कि ये इंडिविजुअल बन कॉल है तो सरकार बताइए कि एपीसीएस जो इशू है ये इंडिविजुअल का है, कौन सा व्यक्ति का इंडिविजुअल है, हम सबको बताइए, पब्लिक को सरकार बताओ ये कौन सा इंडिविजुअल व्यक्ति का है जो एपीसीएस जो पेपर लीकेज चोर हुआ है, उसका लीकेज हुआ है, वो कौन सा इंडिविजुअल का है, आप सरकार बताना पड़ेगा। अगर सरकार इसको एक व्यक्ति का है बताएगा, एक व्यक्ति का इंडिविजुअल का इशू है अगर बताएगा तो हम सब बन कॉल ऑफ करने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार एक इंडिविजुअल व्यक्ति का बताने नहीं देके बोलते हैं कि इंडिविजुअल का पर्सनल डिसीजन है, ये कोई पर्सनल डिसीजन नहीं है। एज अ सोल डोधुम वहाँ में जब था उस समय में सोल डोधुम का एक सिग्नेचर है, वो सबसे बड़ा सबूत बनता है कि ये कोई पर्सनल इशू नहीं है। और उस समय में हमारा ताना तमर भी गया था और नारी शक्ति का टीम भी वहाँ में सीएम का सामने में गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग को साइन करने दिया, लेकिन हमको एक साइन करने दिया है, मेरा साइन है, अगर मेरा साइन है तो ये कोई पर्सनल इशू नहीं है, हम आप सबको बता दो, पब्लिक को बता दो ये कोई पर्सनल इशू नहीं है। और बोल रहे कि ये पॉलिटिक्स मोटिवेशन है, कौन से एंगल में पॉलिटिक्स मोटिवेशन है सरकार, आप हम लोग का चार तरफ दीमन अभी 13 पॉइंट हुआ है बोलते, बहुत तो हुआ है बोले, स्पेशली नाबम निपो एरेस्ट, नाबम निपो को अरेस्ट सिर्फ नहीं करने, ईडी पीआरसी ईडी उसका बाद सीबीआई उसका बाद आप डिपार्टमेंट इंक्वायरी करेगा बोला, अरेस्ट करेगा बोला, अभी तक कहाँ हुआ है। हम लोग बुलाए कि नाबम निपोल को ईडी और सीबीआई को अरेस्ट करने के लिए बोला, उसको छानबीन करने के लिए बुलाया है, उल्टा किसको किया है, ग्यामर पादेन को, ये हमारा सरकार का नाकामयाबी है। इतना घटिया सोच कौन सा रह सकता है, ऐसे सरकार नहीं होना, हमारे स्टेट में अभी सरकार जो ऐसा उल्टा होकर रहता है। तो अभी नाबम निपोल खुला घूम रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और सरकार उसमें वादा किया था कि नारायण वोट में वादा किया था कि कैबिनेट डिसीजन करके वो कैबिनेट डिसीजन करके एफिशिएंस चेयरमैन सेक्रेटरी को देगा, और वो बोलते यूपीएससी को दे, अभी यूपीएससी भी ये बोल रहा है कि आपको ऑलरेडी कैबिनेट एपीएससी अभी भी ऑलरेडी है तो अभी हम लोग इसको टेकअप करने नहीं सकेगा। अभी आप लोग बताइए एफिशिएंसी है तो आप लोग कैबिनेट डिसीजन का अभी तो क्यों नहीं कर रहा है, और हमारा तलोपतम सर बोलता है कि धीरे धीरे करेगा, धीरे धीरे 8 महीना से, अभी 9 महीना हो गया, 9 महीना से क्या कर रहा था, धीरे 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 धीरे। ये जो ना एक फिल्म हम देखा था, आदमी को देखेगा देखेगा बोल के आदमी का लाइफ बर्बाद करता है, वैसे ही हम ये तलोपतम जैसे बोले देखेगा धीरे धीरे बोले, ये धीरे धीरे करके ना ये पूरा बच्चा का करियर ख़त्म कर रहा है। और हम आप सबको पब्लिक को बता दूँ ये कोई इंडिविजुअल इशू नहीं है, ये सारा पब्लिक जनता का इशू है। और आप सबको ये हम ये क्लियरली बता दूँ, और ये बंद कॉल ऑफ होने वाला नहीं है, आप लोग अगर बंद कॉल ऑफ कराएगा बोलने से नाबम निपोल को, आप लोग कल एक दिन समय है, कल ही नाबम निपोल को सीबीआई ईडी को रिकमेंड कर दीजिए, और ये डिपार्टमेंट इंक्वायरी के लिए रिकमेंड कर दीजिए। और अभी भी ऑलरेडी वहाँ में एपीसीएस का जो मेम्बर है और तादर मेपुंग ऑलरेडी है,
तो दादर मेपुंग है उसको आप लोग रिकमेंड कर दीजिए, उसको रिकमेंड करके बोलिए कि हम लोग का यहाँ से ऐसे ऐसे डिसीजन कैबिनेट पास हुआ है, इसको इसको ये क्या बोल नाले में कर दिया बोल के आप लोग पास कर दीजिए, हो गया। अगर उसमें नहीं करते तो हम लोग देखेगा, अगर कैबिनेट नहीं हो कि आप लोग बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का पार्ट नहीं, कैसे करके गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का पार्ट नहीं होता है। सरकार को ये सब पता चलना चाहिए, पब्लिक आम जनता को भी ये पता चलना चाहिए कि सिर्फ ऑटोनोमस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वहाँ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है, हाँ, और एक होता है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है, और दूसरा है इंडियन ये इंडियन गवर्नमेंट होता है, ये लोग अलग अलग ऑटोनोमस पावर होता है। और यहाँ में APSEC अरुणाचल प्रदेश ये गवर्नमेंट ये है गवर्नमेंट का है, इसमें कोई नहीं है, तो यहाँ में सिलेक्शन कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश तो यहाँ में चेयरमैन सेक्रेटरी बनाता है, इसलिए पब्लिक लोग ये कन्फ्यूज हो जाता है। और एक तो है यहाँ में टिप्रमी मोलंग, ये ST है, ये फेक अकाउंट है। यहाँ में कोर्ट से क्लियरली बोला है कि इसको टीम कमिटी मेंबर बेटा के इसको जल्दी से जल्द डिसीजन ले बोला, सरकार इसको भी डिसीजन ले, क्योंकि नहीं तो देखिए हम बार बार बोलिए ST PRC का बारे में हम लोग अरुणाचल का बहुत जान गंवा चुका है। ये ST और PRC जो हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ये बोला है कि गिफ्ट में देगा, हम लोग यहाँ में अभी क्लियरली देख रहे हैं कि ST और PRC यहाँ में दिया जा रहा है हम बाहर से लोग को। अगर ऐसे PRC ST देगा तो हम लोग को अरुणाचल आदमी जीना मुश्किल हो जाएगा, इसको जल्द से जल्द कैंसिल कर दीजिए यही मीटिंग कल ही अंदर में, और हम लोग ये और क्लियर बात है और ये बंद कॉल होगा, और पब्लिक और ये पब्लिक जो इसमें ये क्लियर होना है कि आप लोग अगर नल एंड वॉइड नहीं होता है बोलने से, इसमें हम लोग पब्लिक जो नहीं होगा इसको नल एंड वॉइड जैसे भी कर देना है, आप लोग जैसे भी रिकमेंड करना है ये सरकार जो, और आप लोग बोल रहे हैं कि यहाँ में इंडिविजुअल, यहाँ में कोई इंडिविजुअल नहीं। और दूसरा बात ये बंद कॉल जो हम लोग चाहे अरेस्ट करने से भी चाहे जो भी करने से भी तालोपतम सर कहाँ ले जाने से भी हम आप सबको बता दूँ हम लोग हार नहीं मानेगा। अगर मेरा फ़ोन या किसी का फ़ोन भी अगर ऑफ होता है बोलने से आप लोग मालूम हो जाना है कि हम लोग को डिटेन किया है, हम लोग हार नहीं मान रहे, पब्लिक भी हार नहीं मानना है। पब्लिक आप लोग हम लोग का भरोसा मत बैठे है, हम लोग आप लोग का भरोसा में है। अगर हम लोग कुछ भी करें आने वाला फ्यूचर के लिए करें आने वाला समय के लिए कर रहा है, तो आप पब्लिक सब आप सबको मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग आप लोग जब तक हम लोग को साथ देगा तब तक हम लोग ताकत होगा, आप लोग जब हम लोग को साथ नहीं देगा हम लोग ताकत कम हो जाएगा। और यहाँ में आप लोग स्पेशली हर बंद कॉल में होता ही है मेडिकल और एम्बुलेंस फ्री होता है, एम्बुलेंस को जाने देना है और मिल्क वैन को जाने देना है, उसके बाद जो मेडिकल इमरजेंसी उसको जाने देना है, पॉलिटिक्स प्रशासन को उसको जाने देना है, मिनिस्ट्रेट को जाने देना है। मैं आम जनता आप सभी से मैं अपील करता हूँ रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग प्लीज़ बाहर ना निकालें, ये बेकार में आप लोगों को पुलिस लोग मारपीट करेगा उल्टा बेकार में निकल, सब जो बंद कॉलर है वो सब आइए और पब्लिक आप लोग साथ दीजिए, और प्लीज़ दुकान को मत खोलिए, आप लोग सबको हम अपील कर रहे हैं दुकान मत खोलिए। और ये जो जो आप लोग छोटा मोटा काम है हम लोग जब कोरोना समय में दो दो तीन तीन साल बंद किया है, अभी हम लोग का फ्यूचर के लिए हम लोग थोड़ा बंद करना है। आप सबको मैं बता दूं और एक लास्ट आप लोग को हम बता दूं, ये अगर हम लोग को ज़बरदस्ती ऐसा करेगा, देखो हम लोग क्लियर बोला है, जब तक पब्लिक ये सोच रहे हैं कि अभी हर डिस्ट्रिक्ट से मेरा रिक्वेस्ट है, डिस्ट्रिक्ट लोग ये फ़ोन करके बोलते हैं कि कहाँ कहाँ में बंद कॉल करना है, हर कोई अपना डिस्ट्रिक्ट में बंद कॉल कीजिए, क्योंकि बहुत चार पाँच ही डिस्ट्रिक्ट तो कंफर्म हो गया बंद कॉल करेगा। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट अपना जगह में बंद कॉल कीजिए और उस बंद कॉल में आप लोग हर पब्लिक उतरिए, ये सर मेरे लिए आप सबके लिए लड़ रहे, आने वाला फ्यूचर बूढ़ी बूढ़ा के लिए जो आने वाला बच्चा के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग करप्शन को अगर इस बार हम लोग रुकाने नहीं सकते हम लोग आने वाला फ्यूचर में करप्शन को रुकाने नहीं सकेगा, आप लोग को मेरे एक अपील है, तो इसलिए हम लोग इसमें कोई भी हार नहीं मानना है। अगर हम लोग मर भी गया, अगर कुछ हम लोग को हैपेंस होता है कुछ प्रॉब्लम होता है, तो तलोपतम सर वहाँ में क्लियरली डिक्लेयर किया कि हम लोग को उग्रवादी टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। अगर कुछ भी हम लोग को हैपेंस कुछ हुआ सीधा तलोपतम सर का DC कैपिटल का पर्सनल बात करेगा, उसमें ना कोई कानून होगा क्योंकि अरुणाचल में ऑलरेडी कानून नहीं है, पर्सनली फैमिली बात करेगा, पर्सनल सोसाइटी बात करेगा, नहीं डरेगा किसी को भी कुछ होता है, ये तलोपतम का रेक्स है। और सेकेंडली कुछ होता है ये इशू का प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला जो तगे तकी है, उसका बाद मुचूमिति है, तगे तकी और मुचूमिति को ये याद रखना चाहिए, अगर किसी का जान जाता है तो वो दोनों को रेक्स लिए बात बता रहा है, तगे तकी मुचूमिति उसका बाद ये तलोपतम का। अभी तलोपत यहाँ में किसी को टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है ये बहुत गलत बात, एक DC ऐसा बात नहीं करना चाहिए, एक गवर्नमेंट कमिश्नरी ऐसा बात नहीं करना चाहिए, टेररिस्ट या उग्रवादी डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। अगर किसी को भी कुछ हैप्पीनेस होता है या कुछ मर जाता कुछ होता है बंदा पर्सनल बात करेगा सीधा, उसमें ना ये पेपर लीकेज होगा ना क्या होगा, कोई पुलिस किसी को मरता है बोले तलोपतम ऑर्डर दिया बोलेगा, और किसी को कुछ मरता है बोलने से सीधा सीधे बोले तलोपतम ऑर्डर देकर मारने दिए
सीधा तलब पुतम का घर में जाके सीधा बात करेगा, कोई किसी को ऐसा वैसा कानून पैनून वो कुछ नहीं होगा। अरुणाचल में गरीब आदमी के लिए कानून है, अमीर के लिए कानून नहीं है, क्लियरली बता रहा है। इसलिए इसमें किसी को कुछ हुआ नहीं तो पीसफुल होना है, और सारा पब्लिक को हम बता रहे हैं, अगर बन कॉल में भी तोड़ फोड़ नहीं करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी डैमेज नहीं करना है, सरकार प्रॉपर्टी को भी डैमेज नहीं करना है। हम लोग जाके सेक्रेटरी में सब बैठना है, हम लोग को डिटेन कर दिया बोलने से भी आप लोग बैठो, यह नहीं धरना है, ये अभी नहीं तो कभी नहीं। और अगर किसी को हम पब्लिक से भी ये अपील करता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज बिल्कुल नहीं करना है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वो लोग का नहीं, हम लोग का प्रॉपर्टी है, वो बेकार में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बोल रहा है। अभी जो तलाव पुटम का जगह में बात को मेरा फैमिली भी तो बैठ सकता है, अभी बामिंग फिलिप का जगह में बात को हम भी तो बैठ सकते हैं, कौन जानता है, बामिंग फिलिप का जगह में ये बैठ सकते हैं कौन जानता है, ये लोग बैठ सकते हैं कौन जानता है, इसका बेटा बेटी मेरा बेटा बेटी बैठ सकता है, मेरा बच्चा बैठ सकता है। इसलिए ये लोग का कोई प्रॉपर्टी ये लोग का नहीं है, हम लोग का पब्लिक प्रॉपर्टी है, कुछ भी प्रॉपर्टी को मत करो, मार खाने से भी कहो, लेकिन हम लोग इस बार सड़क पर उतरेगा सारा पब्लिक, मेरा जनता है, ये कोई पर्सनल इशू नहीं है।